सकती है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की जा सकती है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार कई बड़े फैसले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से लिए जा रहे हैं। जो वादे बीजेपी की ओर से किए जा रहे थे उन्हें पूरा किया जा रहा है, तो वहीं एक और वादे को पूरी करती हुई भजन लाल सरकार नजर आ रही है, जहां पर बड़ी सूचना सामने आ रही है कि पेट्रोल और डीजल के कीमतों में गिरावट की जा सकती है। 10 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले लोगों से ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 से 11 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम घटाएंगे, और इसे लेकर सरकार बनने के बाद जब भी सवाल पूछा जाता था तो जवाब बीजेपी की ओर से यही आता था कि इसे लेकर समीक्षा की जा रही है और जल्द ही इस पर फैसला भी होगा। और अब माना जा रहा है कि लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, 10 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की सूचना मिल रही है। अगर ऐसा होता है तो ये न्यू ईयर से पहले बड़ा तोहफा होगा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट को लेकर लोग लगातार सरकार की ओर निहार रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने इसे भी एक बड़ा मुद्दा बनाया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है जयपुर से। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी इस पर विचार कर रही है कि कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम को घटाया जाए, क्योंकि बीजेपी ने ये वादा किया था। और अब दावा ये है बीजेपी की ओर से कि जितने भी वादे करके वो सत्ता में आई है उन तमाम और सभी वादों को बीजेपी पूरा ज़रूर करेगी। और इस बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि 10 रुपये तक पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट की जा सकती है। अब देखना होगा कि कब तक ये नए रेट अगर आते हैं तो लागू किया जाता है, क्योंकि लोगों के लिए, आम जनता के लिए ये बड़ी राहत की बात होगी। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट की जा सकती है। पीएमओ से अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है, बड़ी सूचना इस वक्त की। अब सिर्फ इंतजार है तो पीएमओ से मंजूरी मिलने का, और उसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द ही आपको कम रेट में पेट्रोल और डीजल मिल सकते हैं, क्योंकि इसे लेकर लगातार चिंतन भी किया जा रहा था। बीजेपी ने वादा भी किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महंगाई कम करेंगे, और साथ ही साथ वादा ये था कि पेट्रोल और डीजल के दामों में हम गिरावट करेंगे। 11 रुपए तक गिरावट करने की बात बीजेपी की ओर से कही गई थी, और ये कहा गया था कि हम इस पर समीक्षा करेंगे, समीक्षा करने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम घटा देंगे। और इस बीच सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 10 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो आम लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात हो जाएगी। तो भजन लाल सरकार, जब से शपथ ग्रहण उन्होंने किया है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने, तब से एक्टिव मोड पर हैं, और कई बड़े फैसले भी उनकी ओर से लिए गए, क्योंकि कई बड़े वादे बीजेपी की ओर से किए गए थे, जहां पर बीजेपी ने कहा था कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, उसे लेकर भी सरकार ने फैसला किया है। पेपर लीक कंट्रोल करने के लिए भी कई बड़े फैसले भजन लाल सरकार की ओर से लिए गए, और साथ ही साथ अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी लगातार कवायदें की जा रही हैं, जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम में भी गिरावट की बात सामने आ रही है। इस पर जल्द ही फैसला हो सकता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम गिराए जा सकते हैं। इस पर विचार किया जा रहा है और अब सिर्फ इंतज़ार है तो पीएमओ से मंजूरी का। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसे लेकर फैसला सामने आएगा, अंतिम मंजूरी मिलेगी, उसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए जाएंगे 10 रुपए तक, यानी कि एक बड़ी राहत लोगों को मिलने वाली है। वित्त मंत्रालय के पास कई विकल्प इसे लेकर तैयार भी कर लिए गए हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाएंगे तो कैसे इसे मैनेज किया जाएगा, इसे लेकर भी विचार विमर्श जरूरी है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर कई विकल्प भी तलाश लिए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के दौरान जब जन संबोधन किया था तो ये बड़ा वादा भी पीएम मोदी की ओर से किया गया था कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल और डीजल के दाम हाई हैं उन्हें हम कम करेंगे, हम इस पर समीक्षा करेंगे, दाम को घटाएंगे। और लगातार एक एक कर बीजेपी अपने सभी वादे पूरी करती हुई नजर आ रही है। भजन लाल सरकार कई बड़े ऐलान कर रही है, और उन्हीं में एक
और बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए तक घटाने पर विचार किए जा रहे हैं। अब सिर्फ इंतजार है तो पीएमओ से मंजूरी मिलने का। जैसे ही पीएमओ की ओर से मंजूरी मिलेगी तो पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए तक घट सकते हैं, यानी कि अब आपके जेब पर कम बोझ पड़ेगा इस फैसले के बाद, अगर ऐसा होता है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, एक बार फिर से आपको बता दें, फिलहाल इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अभी ये खबर सूत्रों के हवाले से है, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आएगी, सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर ही आपको बताएंगे, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा। लोग अपने दिनचर्या में सबसे ज़्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, जब वो कहीं ट्रैवल करते हैं, ऑफिस जा रहे हों, स्कूल जा रहे हों, या कहीं भी जाने में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है। अगर डीजल का रेट कम होता है तो जाहिर है कि जो सामान बनाने में ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है उसे भी घटाया जाएगा, तो उसमें भी कॉस्ट कटिंग होगी, तो कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल के रेट कम होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 10 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते हैं, क्या अपडेट मिल पा रहा है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान की जनता पिछले 5 साल से लगातार इस बात का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगातार उम्मीद, पूर्व मुख्यमंत्री से उम्मीद रहती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की जनता से वादा किया था कि चुनाव के बाद जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी, और प्रधानमंत्री ने अपने वादे के अनुसार अब राजस्थान की जनता को ये जो सौगात देने की कवायद शुरू की है, और राहत मिल सकती है लोगों को, 10 रुपए तक जो है वो पेट्रोल की दरें कम हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में वैट की दरें जो पड़ोसी राज्य हैं, दूसरे राज्य हैं, उनकी तुलना में बहुत ज्यादा है। इससे ना सिर्फ जनता परेशान थी बल्कि पेट्रोल पंप का पूरा व्यवसाय प्रभावित था। पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं उन्होंने भी लगातार इस मामले को लेकर के उठाया था, लेकिन जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उसने इसको गंभीरता से नहीं लिया। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था राजस्थान की जनता से समीक्षा करने का, और अब वो संकेत मिले हैं और जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उसको निभाने के लिए, क्योंकि अब राजस्थान में सरकार भी भाजपा की बनी है, और मुख्यमंत्री ने भी, भजनलाल शर्मा ने भी इस बारे में संकेत दिए थे, तो अब ये राहत राजस्थान की जनता को जल्द ये सौगात मिल सकती है। बिल्कुल राकेश, राजस्थान की जनता को जल्द ही ये बड़ी सौगात मिल सकती है, और न्यू ईयर पर सबसे बड़ा तोहफा भी होगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। और राकेश, राहत पेट्रोल पंप डीलर्स को भी, क्योंकि इससे पहले हमने तस्वीरें देखी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कई बार पेट्रोल बंद कर पेट्रोल पंप को बंद भी किया, हड़ताल भी किया, लेकिन बावजूद इसके राहत नहीं मिली उन्हें। बिल्कुल, देखिए, जैसा पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि राजस्थान में ज्यादा वैट दरों के कारण लगभग 2 से 2500 जो पेट्रोल पंप हैं वो प्रभावित हैं, और 300 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, यानी पड़ोसी राज्यों से लोग सस्ता पेट्रोल डीजल मिलने के कारण वहां से खरीदते थे। और अब सवाल ये है कि जब राजस्थान में पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो पेट्रोल पंप संचालक हैं वो बहुत लंबे समय से उनका कारोबार प्रभावित था, और उनको राहत मिलेगी, और वो मांग भी कर रहे थे। आज हमारी आज ही बात हुई थी तो पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन में को भी इस बात का इंतजार है कि जो पेट्रोल पंप के साथ साथ जो पेट्रोल और डीजल से जुड़े हुए दूसरे जो कारोबार हैं उनको भी बहुत फायदा इससे मिलने वाला है। यानी जब पेट्रोल डीजल की दरें कम होंगी तो निश्चित तौर पर महंगाई भी इससे कम होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की दरें भी कम होंगी। राजस्थान में ट्रांसपोर्टेशन की दरें भी पड़ोसी राज्यों की या दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा है, तो अब देखना यह है कि दरें कितनी कम होती हैं और जनता को कितनी राहत मिलती है। 10 रुपए की राहत के संकेत मिले हैं, अगर ये राहत मिलेगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री। बिल्कुल राकेश, अगर 10 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए जाते हैं तो सभी के लिए ये बड़ी राहत की बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से इसे लेकर रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है सरकार जल्द ही पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करेगी और जनता को राहत देगी। एसोसिएशन के महासचिव शशांक कौरानी ने कहा कि राज्य के 7500 पेट्रोल पंप मालिकों को उम्मीद है कि जल्द ही इस पर फैसला होगा। कौरानी ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब जल्द वैट पर फैसला किया जाए। सुनिए क्या कुछ कहा। उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी कुछ दिनों में
सरकार पेट्रोल और डीजल की वैट की दरों पे भी कमी अनाउंस करेगी और जनता को रिलीफ देगी। 7,500 पेट्रोल पंप राजस्थान में है जो कि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे ट्रेड को एक बेनिफिट देंगे, जनता को एक रिलीफ देंगे। तथा जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में घोषणा की थी कि इलेक्शंस के बाद राज्य के पेट्रोल डीजल की रेटों की भी समीक्षा की जाएगी, हम उम्मीद करते हैं उसका समय आ गया है और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द पेट्रोलियम ट्रेड को व राजस्थान की जनता को एक खुशखबरी जरूर देगी। तो नए साल में भजन सरकार राजस्थान वासियों को कई तोहफे दे सकती है। गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी के बाद जल्द ही लोगों को सस्ता पेट्रोल भी मिल सकता है। इसके लिए सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट की दरों की समीक्षा जल्द कर सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए, घरेलू सिलेंडर के बाद सस्ता होते पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर विचार, सरकार 5 रुपए तक घटा सकती है वैट। नए साल में प्रदेश वासियों को महंगाई से राहत मिलने वाली है। सिलेंडर की कीमतें घटाने के बाद में भजनलाल सरकार पेट्रोल डीजल के दाम भी घटा सकती है। सरकार जल्द ही तेल की बढ़ती दामों की समीक्षा भी करेगी, जिसमें वैट के दाम 5 रुपए तक कम करने का भी निर्णय लिया जा सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल का मुद्दा जोर शोर से उठाया था और हर रैली में वादा किया था राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने पर पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी और महंगाई से लोगों को राहत दिलाई जाएगी। मैं आज आपको वादा करता हूं, कांग्रेस सरकार आपसे पेट्रोल का पैसा लूटकर अपने नेताओं की तिजोरी में भर रहा है। मेरा वादा है राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस का ये खेल भी खत्म किया जाएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाजपा की सरकार बनते ही पेट्रोल के दामों की तुरंत समीक्षा की जाएगी और जल्द से जल्द लोकहित में निर्णय भी किया जाएगा और ये भी मोदी की गारंटी है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री के हर वादे को पूरा करने के लिए भजन सरकार तत्परता से काम कर रही है और इसी कड़ी में पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने के लिए वैट दरों को भी कम करने पर जल्द ही फैसला ले सकती है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों ने आग लगा रखी है। पूरे देश के अंदर वेट जो है वो राजस्थान में ज्यादा है। पेट्रोल और जो डीजल के जो दाम है उनके ऊपर भी राज्य सरकार विचार करने में जुटी हुई है। समीक्षा के बाद में राजस्थान में पेट्रोल और जो डीजल के ऊपर जो वेट है वो कहीं ना कहीं कम किए जाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।